आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की इस बहस में हम बात कर रहे हैं बाबा सरकार और साजिश की। जी हां, बाबा के साथ क्या कुछ हो रहा है, बाबा के जो सहयोगी हैं बालकृष्ण उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, उनके ड्राइवर इंद्रजीत को खरीदने की कोशिश की जा रही है, इन सब बातों के पीछे आखिरकार कौन है, कौन है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, इस पर चर्चा से विस्तार से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। स्वामी जी मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो कल एक खबर सामने आई थी वो खबर ये थी कि इंद्रदेव जो कि बाबा रामदेव के ड्राइवर हैं उनको खरीदने की कोशिश की गई, उन पर ये दबाव बनाया गया कि पतंजलि योगपीठ में जो दवाइयाँ बनती हैं उनमें आप मिलावट करो, इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? कोई आश्चर्य नहीं है, ये सरकार शुरू से इस प्रकार के मिथ्याचार और झूठे आधार पर जो विपक्ष के लोग हैं जो उनके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाले हैं उनकी बदनामी करने के लिए प्रयास करेंगे जी। कौन विश्वास करेगा ये, जब बाबा जी बाबा रामदेव योग में योगा में उन्होंने संसार में प्रतिष्ठा पाई है जी। वो ऐसा कोई ड्राइवर से बात करेगा? ये तो जो घटिया प्रवृत्ति के लोग होते हैं वही ऐसा सोचेंगे जी। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से लेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं स्वामी जी, हम बात कर रहे थे प्रदीप टंडा जो कि कांग्रेस विधायक हैं, उत्तराखंड से ही आते हैं, उनसे हम बात कर रहे थे, किसी बात का वो शायद जवाब देना नहीं चाह रहे थे कि कांग्रेस ही यहाँ साफ तौर से पीछे हट रहे हैं क्या? नेचुरली हटेंगे, उनको पता है, कई कांग्रेस लोग तो रामदेव के योगा से शिक्षा लेते, योगा में शिक्षा लेते थे, बड़े लंबी लाइन लगती थी उनके आश्रमों में, अब क्या वो जवाब देंगे, उनको तो पता ही कुछ नहीं है, ये तो चार पांच लोग ऊपर जो बैठे हैं जी, सोनिया गांधी अहमद पटेल चिदंबरम ऐसे लोग जी ये तय करते हैं और पार्टी का तो कोई इससे लेना देना नहीं है जी। तो क्या क्या आप क्या कुछ इसके मायने, क्या कुछ मायने देखते हैं, 2 सितंबर से बाबा रामदेव आंदोलन करने वाले हैं, क्या ये सब कुछ उस आंदोलन को दबाने की तैयारी है, उनको इस तरह से डराया जा रहा है? आंदोलन करें ना करें बाबा रामदेव खतरा है, क्योंकि उनको वो झुका नहीं सके, उनको पटा नहीं सके, उनको अपने तरफ ला नहीं सके, वो एक सन्यासी हैं, भगवा पहन के जब देश में घूमते हैं तो बड़ी श्रद्धा से लोग उनको देखते हैं, तो उनको किसी तरीके से ऐसा नहीं कि वो ही कहें कि भाई मैं क्यों इसमें पढ़ूं, परंतु बाबा रामदेव ऐसे नहीं हैं, वो एक ऋषि भी हैं और क्षत्रिय स्वभाव के। स्वामी जी एक बात यहाँ समझ नहीं आती, ये सरकार आखिरकार किस तरह का रवैया अपना रही है? अभी चीन के रक्षा मंत्री लियांग वांगली आए थे, उनके लिए भारतीय परंपरा तोड़ दी, और यहाँ अपनों पे मारपीट की जा रही है, उनको बहकाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। किनको मारपीट की जी? नहीं, मारपीट किसकी की? मारपीट जो पिछली बार 4 जून को बाबा रामदेव के साथ की थी, लाठीचार्ज की थी। तो है ही है, देखिए ये पहले तो ये जानना चाहिए कि जो सरकार में है उनका क्या भूमिका है जी। सोनिया गांधी ने कहा था कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उसको डिग्री मिली और बाद में पता लगा कि वो झूठ झूठ था जी। वो भी एक शपथ पत्र में, उम्मीदवार का जो शपथ पत्र होता है जानकारी देने का, उसमें उन्होंने झूठ बोला है और बाद में पता लगा वो 5वीं क्लास में नहीं पास हुई है जी, जी। तो ऐसे तो लोग उच्च कोटि उच्च स्तर पर बैठे हैं जी, तो उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या क्या आप मानते हैं स्वामी जी सरकार डर गई है? आप मानते हैं बाबा रामदेव से सरकार डरी हुई है? तो निश्चित डर गए हैं, क्योंकि उनका जो जनता में जो आकर्षण है जी, जो जनता उनकी सिर्फ पुकार में अपने खर्चे पर पहुंच जाते हैं जी, और उस भीड़ से डरते हैं और इनकी दृढ़ता रामदेव की दृढ़ता से डरते हैं जी। जी जी हमारे वरिष्ठ संवाददाता बालाजी भी हमसे जुड़े हुए हैं। स्वामी जी बालाजी भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे जी। जी स्वामी जी, जिस तरह से बाबा रामदेव के खिलाफ ये आपराधिक षड्यंत्र किया गया है, बाबा रामदेव के ड्राइवर ने 8 दिन पहले थाने में
इस बात की सूचना दी थी। क्या एक नागरिक का ये प्राथमिक अधिकार नहीं, आप कानून के भी अच्छे जानकार हैं, क्या एक नागरिक का ये प्राथमिक अधिकार नहीं है कि उसकी सूचना के ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो, FIR दर्ज हो? नहीं, वो तो है ही, पर तो इसके लिए हमारे देश में कुछ बनी बनी चीज नहीं मिलेगी। ये लोकतंत्र हमारे जो पूर्वज के लोग हैं और हमारी संस्कृति की देन है, लेकिन इसको गहरा करना, इसका वजन बढ़ाना, ये तो हम लोगों को लड़ते लड़ते ही कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इमरजेंसी में क्या क्या होता था, आजकल इमरजेंसी की तक नहीं हो सकती है, लेकिन इस प्रकार के तो होंगे ही और इसके लिए लड़ना पड़ेगा। जो कोई वकील को रखकर पुलिस को नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं करती, FIR दर्ज नहीं करती है, तो क्या इसका कोई लीगल रिमेडी है बाबा रामदेव के ड्राइवर के? है, उसका उसको कहते हैं अंग्रेजी में malfeasance in office। इसमें उनके ऊपर 100 करोड़ का सूट भी डाल सकते हैं और उनसे मुआवजा मांग सकते हैं। जी चलिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी, इस खबर पर अपनी विशेष राय रखते हुए आपने सुना, पर एक बड़ा सवाल यहाँ पे अब तक बरकरार आ रहा है। दरअसल ये चर्चा ऐसी है कि इतने कम समय में नहीं हो सकती है, इसके लिए हमें विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा हमें करनी पड़ेगी। किसी और दिन हम इस पर पूरी चर्चा ठीक से करेंगे, इस पर हम कुछ और लोगों के साथ भी जुड़ेंगे। जैसे कि बालाजी ने भी कहा कि अमित चौहान से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब आपके सामने हम हाजिर हों तो अमित चौहान क्या कुछ बयान लेके आते हैं उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करें, ताकि एक पहलू नहीं समझ पाए हम दूसरे पहलू की भी बात करें कि आखिरकार हुआ क्या उनके साथ। इसकी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, पर एक बड़ा सवाल यहां पे खड़ा होता है। जिस तरह से कांग्रेस विधायक प्रदीप टमटा ने आज आनाकानी करते हुए मेरी बातों का जवाब, वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिस तरह से वो भागते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे, क्या कांग्रेस को इस बात का डर नहीं है कि ये सब कुछ करके उसकी छवि खराब हो रही है? क्या उसे डर नहीं है? क्या उसे नहीं लगता कि 2014 लोकसभा चुनाव में जब परिणाम घोषित होंगे तो किस तरह की कार्यवाही हो सकती है? ये तमाम बड़े सवाल है जिनका जवाब शायद कांग्रेस पार्टी को ही कहीं ना कहीं देना है, अपने आप को देना है, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना है। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। बालाजी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।